हमीरपुर शहर वासियों को अब हाउस टैक्स संबंधी सारी जानकारी जल्द ही उनके मोबाइल पर मिलेगी। नगर परिषद हमीरपुर द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाएं सीधे एसएमएस के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर पहुंचेगी। नगर परिषद सभी गृह स्वामियों के मोबाइल पर नंबर हाउस टैक्स की बुकलेट में फीड करने जा रहा है। नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू हो जाने से लोगों को अग्रिम टैक्स जमा करवाने व मिलने वाली छूट सहित अन्य सभी जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होंगी। हालांकि अभी इस सुविधा को चालू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इस प्रपोजल को लेकर हाउस की सहमति के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। शहर में इस बार 31 मार्च तक नगर परिषद के खजाने में 1,10,00,000 रुपए जमा हुए हैं। स्थिति यह बनी थी कि नगर परिषद को नोटबंदी के कारण गृह स्वामियों ने बिना मांगे ही अपना हाउस टैक्स एडवांस में जमा करवा दिया था। लिहाजा अब नगर परिषद चाहती है कि गृह स्वामियों को हाउस टैक्स में समय पर दी जाने वाली छूट से एसएमएस के जरिए अवगत करवाया जाए ताकि वे इसका भरपूर लाभ ले सकें। विभाग का मानना है कि लोगों को टैक्स में छूट अथवा कब इसे जमा करवाना है आदि जानकारी एसएमएस से मिलने लगे तो उन्हें काफी सुविधा होगी। बता दें कि 31 मार्च तक सालाना हाउस टैक्स पर दी गई 10% छूट का शहरवासियों ने जमकर फायदा उठाया था। अकेले मार्च माह की ही बात करें तो इसी महीने 60,00,000 का टैक्स जमा हुआ है, जबकि 50,00,000 से ज्यादा का टैक्स बाकी के महीनों में अलग नगर परिषद ने जुटाया है, जिसमें से 60,00,000 का टैक्स 10% छूट देने वाले शहरवासियों ने ही जमा करवाया है। नगर परिषद के पास हाउस टैक्स के डिफॉल्टरों की लंबी सूची पड़ी है, जिनमें से कुछ तो अपने टैक्स जमा करवाते हैं जबकि कुछ अपनी मनमानी पर अभी भी उतारू हैं। इसका खामियाजा नगर परिषद को भुगतना पड़ रहा है। नगर परिषद को हर माह लाखों की चपत लग रही है। लिहाजा एसएमएस सुविधा के शुरू हो जाने से ऐसे लोगों को भी समय समय पर अलर्ट करने की में काफी मदद मिलेगी। ये गृह कर निर्धारण जो है ये अभी हमारा इस वर्ष का शुरू होगा, जिसकी हमारी पहले बैठक होगी, किया जाएगा। गृह कर निर्धारण के बाद जो है वो लोगों को बिल वगैरह जो रूटीन में भेजा जाते हैं। पर एक जो गवर्नमेंट का भी एक हिदायत है निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की कि गृह कर का निर्धारण जीपीएस सिस्टम के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इसकी असेसमेंट की जाए। तो इसके लिए हमें पहले मैन पावर चाहिए, थोड़ा सा इसमें सारा अपडेट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड सारा सॉफ्टवेयर पे चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें जो हमारा हाउस है, हाउस से परमिशन लेने के बाद ही इस सिस्टम को हम कर पाएंगे। इस सिस्टम के माध्यम से ये हुआ कि जितने भी लोगों का गृह कर जो होगा, एक्चुअली कोई नए घर बन रहे हैं तो वो अपडेट हो जाएंगे, या कोई घर जो पिछली बार असेसमेंट नहीं हुआ उसको भी असेसमेंट की जा सकेगी उसके माध्यम से। और साथ ही लोगों को जो सूचना है, जब ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो ये मोबाइल के माध्यम से भी लोगों को गृह कर के बारे में सूचना दी जा सकती है कि आपका इतना गृह कर जो है ड्यू है। कि हमारा पहले इसमें सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, सॉफ्टवेयर के बाद ही इसको अपडेट करके फिर जैसे होगा तो हम इसको मोबाइल के माध्यम से लोगों को सूचित कर सकेंगे कि आपके इतना गृह कर है, दे है। और अगर कोई दे देता है तो उसके लिए भी फिर अलग से अकाउंट वगैरह वो ऑनलाइन जो है पेमेंट भी कर सकते हैं।